हमारे क्षेत्र में सर सचिन पायलट के मुख पे वोट दिया था, वोट दिया पता नहीं था मुख्यमंत्री इसको बना दिया जाएगा। हम आपसे यही उम्मीद करते थे कि सर आप उनका साथ दें। नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। करौली जिला के प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद राज्य मंत्री अशोक चांदना पहली बार जिले के दौरे पर थे। मंत्री जी ने सोचा हर बार की तरह इस बार भी फूल मालाओं से स्वागत होगा, लेकिन जब सोमवार को राज्य मंत्री अशोक चांदना को पायलट समर्थक गुर्जर युवाओं का विरोध झेलना पड़ा तो मंत्री जी की हालत पतली हो गई। दरअसल मंत्री अशोक चांदना हिंडोन मार्ग से करौली आ रहे थे तो गाँव जुगनीपुरा के यहाँ युवाओं की भीड़ देखकर खुद मंत्री ने काफिला रोक लिया। ग्रामीणों ने विकास के साथ पानी की मांग को मुद्दा बताकर मंत्री जी पर तीखे सवालों से बौछार शुरू कर दी। एक युवक ने तो इतना बोल दिया कि कांग्रेस ने चेहरा पायलट का दिखाया लेकिन मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया, जबकि हमने ही नहीं पूरे राजस्थान ने उनके चेहरे पर वोट दिया था। इसके जवाब में मंत्री चांदना बोले कि पार्टी के प्रेसिडेंट है तो क्या चेहरा छुपा लेंगे, मेरे से पूछकर अगर सीएम बनाया जाता तो सबसे पहले मैं ही सीएम बन जाता। इसी हो हल्ला के बीच युवाओं ने चांदना को खरी खरी सुनाई। अशोक चांदना के सामने ही सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। पुलिस ने मांजरा भाप लिया और मंत्री के काफिले को करौली के लिए रवाना कर दिया। और अशोक गहलोत के मंत्री अशोक चांदना ने ही समझ लिया कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थक तीखे सवालों से चौतरफा हमला कर दिया था। इस पूरे विवाद के बाद अब यह जरूर तय हो गया है कि भले ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ मिल गए हैं, लेकिन मन भेद अभी भी जारी है।